इस बार सबसे बड़ा मुद्दा आप लोगों के लिए पानी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। अच्छा, कूलर में पानी उन्हें डालने के लिए पिए क्या, नहाए का है नहीं तो कूलर में कहाँ से पड़ेगा। दोस्तों, आप कल्पना कर सकते हैं कि आज़ादी के लगभग 75 साल के बाद आज भी कुछ ऐसे गांव हैं हमारे देश में जहां जिस गांव में पीने के लिए पानी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खास बात वीर सिंह के साथ। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं नागपुर जिले के कन्हान के पास एक खदान, एक जगह है और उसी खदान में गोरखपुर दफाई करके एक बस्ती है। यह ग्राम पंचायत टेकाड़ी कोयला खदान के अंतर्गत आता है और यहाँ जब भी हम यहाँ जाते हैं और लोगों से मिलते हैं तो सबकी एक ही समस्या होती है कि उन्हें पीने के लिए पानी नहीं है। उन्हें घर से काफ़ी दूर जाना होता है, जो सरकार की एक सरकारी हैंडपाइप है वहाँ पे जाना होता है और वहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है और लोग काफ़ी परेशान होते हैं यहाँ से पानी लेके जाने के लिए। पीने के लिए पानी तो यहाँ से लेके जैसे तैसे चले जाते हैं, लेकिन आप कल्पना कीजिए यह गर्मी का समय, धूप इतनी तेज और ऐसे में फिर वो नहाते कैसे होंगे। अगर उनके पास कूलर है तो कूलर में पानी कैसे डालते होंगे। ऐसे कई तमाम सवाल हैं लेकिन जवाब कुछ नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग कहाँ रहते हैं पहले बताइए। गोरखपुर दफाई में रहते हैं, तो वहाँ पे पानी कितने दिनों के बीच में आता है? 6 दिन पर काल पानी मिला है। 6 दिन के बाद मिला है? हाँ, 15 मिनट दिए हैं, कोई के 4 बाल्टी गिरा है, कोई के नहीं गिरा है, फोर्स में नहीं देते हैं पानी। और उसके बाद फिर नहाने वहाने के लिए कोई 2 दिन पर नहाता है, कोई बच्चे ले आके देते हैं तो नहाते हैं, न तो वही तरह रहते हैं पानी बिना। तो पानी WCL का जो नाला है पानी, फिर वहाँ जाके आप लोग नहाते हैं? भर भर के लिए आते हैं, अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों के यहाँ पे सबेरिया साहब या फिर सरपंच वगैरह जो है आते हैं इस प्रॉब्लम? नहीं आते। कभी सरपंच वगैरह आए? ग्राम पंचायत वाला कोई नहीं आते, हम लोग जाना पड़ता है। तो जाते हैं तो क्या बोलते हैं, क्योंकि ये समस्या कई सालों से चलते आ रहा है, हमेशा से देखते चल रहा है भैया, बहुत साल से चल रहा है। बोलते हैं कि अब ये लोग क्या के बोलते हैं तो उस सबेरिया में जाओ, सबेरिया में गोयला पर उस सबेरिया वाला सुन नहीं रहा है, बोलता है कि मोटर जर गया था, ई जर गया था, अब कितना हम लोग जाएंगे, घर में आएंगे, बाकी नहीं आएंगे, अपने नहीं आएंगे, बाकी लोग के लिए नहीं जरता है। अब क्या, जिसका घर में बच्चे हैं वो पानी लिया लेते हैं, जिसका घर में नहीं है तो वो कैसे ले आएंगे बताओ, औरत धो के कितना नाला पर से ले आएंगे, ऊपर नंबर लग जाता है तो कोई। ये हैंडपाइप कब लगा? इसको तो 6 महीना साल भर होगा। अभी हाँ, पंचायत ने लगा के दिया? हाँ, साल भर। ये आपके घर से तो काफी दूर है, लेकिन बहुत दूर है ना। एक अगर बस्ती में एक हैंडपाइप लगवा दिया जाए तो आप लोगों का पानी का हो जाएगा? हो जाएगा, अगर समय से पानी यहाँ नहीं मिलेगा तो हम लोग सरकारी से भर के अपना काम चला लेंगे। हमारे घर में बिटिया बहन है, हम लोग नाले नहाने जाते हैं, पानी लाते हैं, बच्चे इधर आने पकड़ के बोलते हैं, कैसे हम लोग क्या करेंगे। आज कितने दिन से ऐसी आ रहा है, नहीं पानी चालू हो रहा है, यहाँ से आते हैं 4 बजे 3 बजे हम लोग पानी यहाँ से ढोके ले जाते हैं, भी नहीं सुनती है, सरपंच जाते नहीं है, सरपंच जाते नहीं है, इतना दिक्कत बाबू है, हम लोग कैसे क्या करेंगे बताइए आप। अभी तो कैसा, 6 महीने के बाद चुनाव भी होने वाले हैं, नहीं देंगे। इस बार सबसे बड़ा मुद्दा आप लोगों के लिए पानी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, बहुत मुद्दा है, हम लोग का पानी बिल्कुल नहीं मिल रहा है। अच्छा, कूलर में पानी उन्हें डालने के लिए पिए क्या, नहाए का है नहीं तो कूलर में कहाँ से पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ के लोग जब पंचायत में जाते हैं तो सरपंच द्वारा हमेशा कहा जाता है कि ये हम नहीं कर सकते, ये WCL के एरिया में आता है, WCL करेगी। WCL के पास जाते हैं तो WCL अपना पल्ला झाड़ लेती है कि ये ग्राम पंचायत की तरफ से होगा, ग्राम पंचायत देखेगी। आखिर अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से पीड़ित है या कोई बस्ती के लोग पीड़ित है तो किसके पास जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, सबसे बड़ा सवाल होता है। सवाल यही है कि अगर कोई व्यक्ति दुखी होता है, पीड़ित होता है तो अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के पास जाता है अपनी समस्या को लेकर, लेकिन जब जनप्रतिनिधि ही हाथ झाड़ ले तो लोग क्या कर सकता है। यहाँ के जनप्रतिनिधि या फिर सरपंच हो या फिर जिला परिषद के अध्यक्ष हो, जो कि इसी गाँव से हैं, अध्यक्षा मैम वो हो, कोई भी इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहा है। लोगों की मांग इतनी है कि उनकी बस्ती में एक हैंडपाइप हो जिससे पूरे बस्ती के लोग अपने लिए पीने के लिए और बाकी घर के काम के लिए भी पानी की व्यवस्था कर लेंगे। बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज़ादी के 75 साल हम बना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं, लेकिन आज भी कई गाँव, कई बस्ती, कई कस्बे
प्यासे हैं। वहाँ के लोगों को पीने के लिए आज भी पानी नहीं मिल पा रहा है। यह अपने आप में एक बड़ी विडंबना है। लगभग 50 साल हो गए और 50 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं और 50 सालों से रहने के बाद भी पानी नहीं मिल पा रहा है। चुनाव होते हैं, हर चुनाव में मुद्दा यही होता है कि आने वाले समय में हम आपकी सारी समस्याओं को सुलझा देंगे, जैसा कि हर चुनाव में मुद्दा यही होते हैं। और यहाँ के लोगों को भी इसी तरीके से बेवकूफ़ बनाया जाता है, चाहे वो ग्राम पंचायत का चुनाव हो या फिर जिला परिषद का चुनाव हो या फिर इससे भी कई बड़े चुनाव हो। हर चुनाव में मुद्दा यही होता है, लेकिन समाधान कुछ भी नहीं है। हम चाहेंगे कि पंचायत या WCL इस पर ध्यान दे और इस बस्ती में एक हैंडपंप की व्यवस्था कर दे, ताकि यहाँ के लोगों को पीने के लिए स्वच्छ और साफ पानी मिल सके। अब देखते रहे आज की खास बात मेरे यानी कि वीर सिंह के साथ NBC News पे। थैंक यू।